हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और आज हम बात करने हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, आज की यानी कि 7 अक्टूबर मंडे की। सो जैसा कि हमने एनालाइज किया था पिछली वीडियोस के अंदर, सो सेम चीज़ हमें होते हुए दिखी आज मार्केट में। एंड ऑल दो देर वॉज अ गुड ओपनिंग में मार्केट ऊपर को गया और एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मार्केट वापस से नीचे आना शुरू हो गया एंड देन इट फेल डाउन कंसिडरेबली। 200-300 पॉइंट्स तक भी डाउनफॉल हमें देखने को मिला। सो दिस इज़ द एरिया विच इज़ द टुडेज कैंडल। इस तरह से ऊपर जाते जाते मार्केट ने जो है 25,135 तक का लेवल बनाया और हमें लगा कि शायद जो फर्स्ट सपोर्ट हमने डिस्कस किया था उस पर मार्केट खड़ा उतरेगा, लेकिन फर्स्ट सपोर्ट वहीं पर मिस हो गया एंड उसके बाद मार्केट डाउनफॉल करता रह गया। और सेकेंड सपोर्ट के पास 24,692 तक का जो लोएस्ट पॉइंट था इसने बनाया और हमारा जो सपोर्ट था वो 24,670-80 का था। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो सेकेंड सपोर्ट पे जाके मार्केट जो है रुका, उसके बाद वापस से एक हल्का सा बाउंस बैक हमें देखने को मिला। वी कैन सी इट क्लियरली इन द 15 मिनट चार्ट। ये देखिए, तो मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा एंड उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें देख रही है, थोड़ी सी बाइंग आई एंड उसके बाद वापस से हल्का सा एक अपवर्ड्स मोमेंटम हमें देखने को मिला। लेकिन अगर हम ऑल इन ऑल बोलें तो इट वॉज अ डाउनवर्ड्स मार्केट ट्रेंड। अगेन जो हमारा ट्रेंड है वो क्लियरली डाउनवर्ड्स ट्रेंड में ही जा रहा है, ये आप देख सकते हो, क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड है इस वक्त पे। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अब ये वाला सपोर्ट तो आपका टूट ही चुका है एंड कंसिडरिंग द अदर सपोर्ट, तो सेकेंड सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये है 24,671 वाला। एंड इस सपोर्ट के ऊपर अगर आप देखो तो दिस इज द सपोर्ट एरिया जहाँ पे पहले जो सपोर्ट है वो मिला हुआ है मार्केट को एंड देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक अच्छा रन अप या एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिले हमें। बट कंसिडरिंग द सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉर ऑल्सो एंड सेकेंडली विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट दैट जो आज मार्केट में हुआ उसके अंदर हमने देखा कि FIIs ने बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल सेल्स करनी शुरू कर दी हैं और जो DIIs हैं अब वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पहले अब तक जो लोग म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के अंदर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स पे थे वो अपने पैसों को विड्रॉ नहीं कर रहे थे, बट जैसे ही 2-3 दिन से डाउनवर्ड ट्रेंड की मार्केट देखने को मिली तो एवरीवन इज थिंकिंग कि हमारे जो प्रॉफिट्स म्यूचुअल फंड्स में बन रहे हैं वाई शुड वी लेट गो ऑफ देम, तो उन प्रॉफिट्स को तो हम सेव करें। सो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेटेजी कि उन प्रॉफिट्स को तो हम सेव करें जो हम ऑलरेडी रीप कर चुके हैं, अदरवाइज इफ द मार्केट्स कंटिन्यूज ऑन फॉलिंग तो हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स हैं वो और डिमिनिश हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। इस कारण से अब DIIs जो हैं वो भी जो है सेलिंग करने पर आ गए हैं। सो नाउ DIIs आर ऑल्सो सेलिंग देयर होल्डिंग्स एंड FIIs तो होल्डिंग्स बेच ही रहे हैं। हमने लगभग 3,000 करोड़ की जो सेलिंग है FIIs की तरफ से वो देखी है पिछले एक हफ्ते के अंदर। सो दिस इज़ अगेन अ रेड इंडिकेशन और एक बेयरिश इंडिकेशन आप कह सकते हो ये मार्केट के लिए। एंड इफ दिस ऑल्सो ब्रेक्स डाउन टुमारो, अगर आपका 24,631 वाला जो लेवल है अगर ये कल टूट जाता है तो उसके बाद आपको जो है बड़ा सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिलेगा 24,090 के आसपास। सो दिस इज़ द बिगर सपोर्ट दैट यू हैव एंड इसके अलावा कोई भी बिग सपोर्ट नहीं है। और अगर इसके अलावा हम बात करते हैं इसके बाद की, तो इसके बाद देर इज़ अ कंसिडरेबल डाउनफॉल दैट कैन हैपन इन द मार्केट। आप देख सकते हो इसके बाद एक अच्छा खासा एरिया आपके पास डाउनवर्ड ट्रेंड का बन जाता है। दिस इज़ द होल एरिया ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड्स। अगर हम मेजर करें इसको तो अब टॉप से कितना डाउन आ चुका है, सो मार्केट टॉप से लगभग 6% डाउन आ चुका है एंड वी हैव एनालाइज इन प्रीवियस वीडियोज़ की 8.5% तक का तो हमें जो है ही है और 10% तक भी मार्केट डाउनफॉल कर सकता है। तो आपका जैसे ही सपोर्ट थर्ड टूटेगा मार्केट 8.5% के करीब डाउनफॉल आपको दिखा देगा एंड देन द ओनली थिंग विल बी कि उसके बाद फर्दर कितना डाउनफॉल आता है। अगर फर्दर की बात करें तो 10% डाउनफॉल आने के लिए आपको और ज़्यादा गिरना पड़ेगा और आपका जो लेवल्स होंगे वो 23,600 के आसपास के लेवल्स होंगे। सो अब अगेन पॉइंट यहीं पे आता है कि यहाँ पे फिर से आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। सो हेयर वी आर, सो दिस इज अ बिट सपोर्ट जोन इस लेवल के आसपास, यानी कि 10% मार्केट गिरने के बाद फिर से एक सपोर्ट जोन आपके पास है। अब वो कितना स्ट्रांग सपोर्ट एक्ट करेगा या नहीं एक्ट करेगा दैट विल बी पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं एक तो वो प्ले में आ गए, सेकेंडली FIIs बेच रहे हैं, थर्डली अब DIIs जो प्रॉफिट्स पे बैठे थे अब वो भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग्स करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू रीप द प्रॉफिट्स दैट दे हैव ऑलरेडी मेड, अदरवाइज वो सारे के सारे प्रॉफिट चले जाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा। सो इस सिचुएशन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप SIPs कर रहे हो तो आप बैठे रहो SIPs के अंदर, क्योंकि SIPs में एवरेज आउट हो जाओगे। लमसम इन्वेस्टमेंट ना करो, बट वी विल बी शेयरिंग अ स्ट्रैटेजी जिसके अंदर आप लमसम इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में कैसे कर सकते हो वो आपको बताई जाएगी एंड इफ इट सूट्स यू यू कैन डू इट, अदरवाइज यू कैन कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर दैट। So this was it for today's video. Thanks for watching this video. Have a nice day.